आओ बच्चों देखते हैं क्लास 12 एनसीईआरटी मैथ एक्सरसाइज 7.3 का क्वेश्चन नंबर 1। इस प्रकार के क्वेश्चन कैसे किए जाते हैं जब हमें मिल जाए साइन स्क्वायर या कॉस स्क्वायर का फॉर्म। कोई क्वेश्चन हो अगर साइन स्क्वायर है तो उसे कैसे सॉल्व किया जाएगा, अगर कॉस स्क्वायर के फॉर्म में है तो कैसे किया जाएगा। सबसे पहले क्वेश्चन करने से पहले उसकी आइडेंटिटी जान लेते हैं कि एक इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व कैसे किए जा सकते हैं। हो सकता है यहाँ कुछ चेंज हो, तो जहाँ साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्म ऑफ थीटा यहाँ कुछ भी हो सकता है, तो उसे हम कैसे ब्रेक करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे 1 माइनस cos 2 थीटा अपॉन 2, इस फॉर्म में उसे तोड़ा जाएगा। अगर कॉस स्क्वायर होता है यहाँ तो कॉस स्क्वायर में सेम आइडेंटिटी लगाते हैं, 1 प्लस cos 2 थीटा अपॉन 2। ये याद रखिएगा कि साइन स्क्वायर है तो इस फॉर्म में ब्रेक करेंगे, कॉस स्क्वायर है तो इस फॉर्म में ब्रेक करेंगे। थीटा हमारा यहाँ क्या है ये, तो देखिए ब्रेक करता हूं इसको। यहाँ साइन स्क्वायर है, साइन स्क्वायर की जगह हम क्या लिखेंगे, 1 माइनस cos 2 थीटा। तो 1 लिखा, cos लिखा, 2 है तो 2 लिख दिया, थीटा की जगह ये पूरी वैल्यू लिखेंगे 2x+5 और अपॉन 2 है तो पूरे के नीचे ऐसे 2 लिख देंगे, टी एक्स लगा देंगे। अब इस 2 से अंदर मल्टीप्लाई पहले करना है, अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे और ये डिनोमिनेटर अलग अलग कर देंगे। यहाँ 1 अपॉन 2 आ जाएगा, dx इसका कर देंगे, माइनस इसका इंटीग्रेशन करेंगे cos 2 का, 2 2 जा 4x, यहाँ हो जाएगा 2 5 जा 10, ऐसे हो गया। और ये 2 इसके नीचे होगा तो यहाँ बाहर ऐसे लिख सकते हो dx, ठीक। ये 2 इसका भी डिनोमिनेटर है और इसका भी, तो अलग अलग लिख दिया गया। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे, कैसे किया जाएगा वो ध्यान से देखिएगा। 1 अपॉन 2 बाहर हो जाएगा, बचेगा 1, तो 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, x, 1 अपॉन 2 x या x/2 भी लिख सकते हो, माइनस 1 अपॉन 2 तो ये होगा ही। कॉस का इंटीग्रेशन होता है साइन, ठीक, साइन लिखेंगे ऐसे, x की जगह यही पूरी वैल्यू लिख देना 4x+10। अब इसका डेरिवेटिव नीचे लिखा जाएगा, यहां डेरिवेटिव इंटीग्रेशन में नीचे लिखते हैं, और अगर डेरिवेटिव होता है इसका करना होता d/dx तो यहां ऊपर लिखते हैं। तो इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, 4 आएगा, क्योंकि x का 1 कांस्टेंट का 0 हो जाता है, तो यहां 4 है तो 4 बन जा 4 आ जाएगा। तो यहां 4 से ऐसे मल्टीप्लाई कर देंगे प्लस सी, अब ये क्या हो जाएगा 4 2 जा 8, इसको x/2 ऐसे लिख सकते हो, और 1 अपॉन में 4 2 जा 8, साइन लिखिए और ये जैसे लिखा है सेम ऐसे ही लिख देना है प्लस सी। यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बच्चों। फिर से एक बार समझ लीजिए, डेरिवेटिव यहां पर इंटीग्रेशन में जब इसको लेट करते हैं तो जो यहाँ लीनियर अगर फंक्शन है जो कोफिशियंट होगा उसको नीचे लिख देना है, जो भी यहाँ पर होगा एक्स के साथ जो कोफिशियंट है यहाँ नीचे लिख देना है बस, और कुछ नहीं करना है। कास का साइन होता है सबको पता होगा, तो इस टाइप से सॉल्व किया जाएगा। अगर कास स्क्वायर होता है तो इस फॉर्मेट में खोलते उसे फिर सॉल्व करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, हाँ चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना इसी वीडियो पाने के लिए। अगर कोई क्वेश्चन आपको नहीं आता है तो कमेंट में बता सकते हो, उसे जरूर बताया जाएगा। थैंक यू।